फैज से जिनके खिलती है दिल की कली, जिनके माँ फातिमा और पैदर हैं अली। वाला नहीं जिसने सारी कायनात को बनाया, जो दुनिया बनाने पर भी कादिर है और दुनिया बर्बाद करने पर भी कादिर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सुल्तान बड़े बड़े शहजोर अपने गर्दने झुका देते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी डरते हैं, जिसके रहम से हम जैसे गुनाहगारों के चेहरे खिल उठते हैं। उस जात की तारीफ एक खाक इंसान से कैसे बयां हो सकती है। कायनात की जमाने थक जाएगी, कलम लिखते लिखते टूट जाएंगे, कागज और स्याही खत्म हो जाएगी, मगर रब्बे कायनात की तारीफ खत्म ना होगी। ये उसका मकाम है, किसी को ताजे सुल्तानी किसी को भीख दर दर की, किसी को ताजे सुल्तानी किसी को भीख दर दर की, किसी को खाक की ढेरी किसी को संगे मरमर की। वो शाहों को गदा कर दे, वो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफी है घटाने और बढ़ाने में। हजरते गिरामी, इशारा उसका काफी है घटाने और बढ़ाने में। हजरत गिरामी, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसका मफहूम है हर जान को मौत का मजा चखना है, जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा। आप गौर करें तो मालूम होगा कि हजरत आदम अगर इस जहां में किसी की दायमी बादशाहत है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा बंदे करीम की जात की है। आप गौर करें तो मालूम होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उन्हें जमीन पे कितने लोग आए और अपना अपना काम करके उनके अदम सुधार गए। बड़े बड़े बादशाह, दौलत और शोहरत वाले, हुकूमत और हिम्मत वाले, ताज और तख्त वाले, अजीम व आला बख्त वाले, इल्म व अमल वाले, दानिश व अकल वाले, दुनिया के फातिह हुस्न और जमाल वाले, खूबी और कमाल वाले, सभी बारी बारी मौत का मजा चखते हुए कब्रों में जा सोए। मुल्क को फतह करने वाला मौत से जेर हो गए, तकब्बुर से गर्दन अकड़ कर चलने वाला कई नमरूद, फिरौन, हामान, कारून और अबू जहल मौत के आगे आजिज हो गए। जब मौत आई तो मुकाबला न कर सका, बस हथियार डालकर बेपस्त हो गया। और सब मौत का मजा हर किसी ने चखा है और एक न एक दिन हम सब को भी मौत का मजा चखना है। इसलिए तो कहा जाता है, याद रख हर आन आखिर मौत है, तंतु मन अंजाम आखिर मौत है। याद रख हर आन आखिर मौत है, तंतु मन अंजाम आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बहरे हाल इल्मी तुझे समझा चुके हैं, मान या मत मान आखिर मौत है। हजरते गिरामी, हम बुरी मौत किसे कहते हैं? हमारी आवाम बुरी मौत किसे कहती है? जो एक्सीडेंट में मर जाए लोग कहते हैं बुरी मौत मरा। वल्लाह एक्सीडेंट में मरना ये बुरी मौत नहीं है। अगर कोई मुसलमान भाई का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, वो बुरी मौत नहीं है बल्कि शहादत की मौत है। इसी तरीके से औरत में ये बात मशहूर है, अगर कोई औरत डिलीवरी के वक्त मर जाए, जचकी के वक्त मर जाए, तो लोग और दूसरी औरत कहती है बाबा उसके जनाजे में मत जाना, वो नापाकी के हालत में बुरी मौत मर गई। हजरत गिरामी ये तुम्हारी जहालत है। बुरी मौत अगर कोई औरत बच्चा को पैदा करते करते मर जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मर्तबा अदा करता है। इसी तरीके से कोई डूबकर पानी में मर जाए लोग कहते हैं बुरी मौत पड़ा, यानी खुद यानी वो डूबना नहीं चाहता था, तैरने गया डूब गया, कुदरती तौर पे डूब गया, वो डूबना नहीं चाहता था इसी तैरने गया डूब गया, ये लोग कहते हैं बुरी मौत पड़ा। ये बुरी मौत नहीं है बल्कि शहादत की मौत है। कोई दीवार में दब के मर गया लोग कहते हैं बुरी मौत पड़ा, ये बुरी मौत नहीं है बल्कि शहादत की मौत है। लोग कहते हैं कि ये पानी में कुद सैलाब आया डूब के मर गया, ये बुरी मौत नहीं है बल्कि शहादत की मौत है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बुरी मौत कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि बुरी मौत कलमा नसीब ना मरते के वक्त कलमा नसीब ना हुआ, ये बुरी मौत है। चेहरे पे दाढ़ी ना था मर गया, ये बुरी मौत है। बेनमाजी था उसी हालत में मरा, ये बुरी मौत है। पेट में हराम लुकमा था, हराम लुकमा था मर गया, ये बुरी मौत है। कुफ्र में मरा, ये बुरी मौत है। हजरत गिरामी अगर कोई इंसान नेक है बिस्तर पे मरा तो वो भी शहादत का मर्तबा है। हजरत गिरामी तो अपने गुनाहों से तौबा करें।
सच्ची तौबा में बहुत ताकत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, एक नौजवान था जिसका नाम किफल था। वो बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, वो बहुत अमीर भी था। उसी मोहल्ले में एक लड़की को पैसे की जरूरत थी, उसकी मदद किसी ने नहीं की, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पर देखा तो लड़का ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ मैं कि तुम मेरे घर चलो और कुछ देर बैठ के बातें कर लो। हजरते गिरामी, लड़की मान गई और जब घर पे आई, खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया। जब लड़का ने खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया, बातें शुरू हुआ। जब बातें हो रही है, लड़का खिसक कर आगे बढ़ा तो लड़की के बदन पे कपकपी तारी हो गई, लड़की उठ के खड़ी हो गई। तो मैं हजरते गिरामी, तो किफल ने कहा, ये लड़की तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की और खिड़की दरवाजे के बन होने के बावजूद तुम किससे डरती हो? तो लड़की ने कहा, एक केवल तूने ऐसे गुनाह हजारों बार किए होंगे, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा गुनाह कभी नहीं की, इसलिए मैं डर रही हूँ। अगर मेरा रब कल कयामत के दिन मुझसे पूछ ले कि तुमने ये गुनाह क्यों की, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहाँ से लाऊंगी? इसलिए मैं डर रही हूँ कि रब मुझसे अगर पूछ ले तो मैं क्या जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूँ। तो किफले ने कहा, अगर वो देख रहा है तो तुम चली जाओ। लड़की घर से बाहर कदम रखती है और जैसे ही घर से बाहर कदम रखती है, मौत का फरिश्ता यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और किफले के रूह को कब्ज कर लेते हैं। हजरत गिरामी, जंगल की आग की तरह बातें फैल गई, किफल मर गया। कुछ आबिदान जाहिदन खुशक ने बातें की कि इतना बड़ा पापी था, इतना बदकार था, इतना गुनहगार था, ना जाने उसका मुंह किस तरह हो गया होगा। तो किसी ने उसी में से किसी ने कहा